चुनाव एकदम जीतेंगे, बढ़िया से जीतेंगे, सबका साथ। रिकॉर्ड वोट से जीत है, राष्ट्रीय जनता दल अकेले ये चुनाव जीत गया था 2020 में, और अब जनता दल का साथ है, कई पार्टियां साथ है, तो मैं समझता हूँ 50,000 से ज्यादा वोट से चुनाव में जीत होना चाहिए। क्या स्थिति है, अब कोई लड़ाई बुझा रहा है क्या? कहीं कोई लड़ाई नहीं है। 80% भूमिहार वोट देगा हम लोगों को, आज फिर कह रहे हैं, और बोचहा जो हुआ था बोचहा दोहराने जा रहा है कुरहनी। भाजपा जीती तो 68,000 वोट कैसे लाते? वो तो सहानुभूति वोट वो जीती है वहाँ, तो कुरहनी की जनता आशीर्वाद स्वरूप यहाँ का वोट देगी उनके लिए, उन्होंने मैसेज भेजा। अभिषेक है तेजस्वी यादव की जनसभा के बाद राजद नेताओं में जोश आई है। राजद के नेताओं ने साफ साफ कहा हम जीतेंगे, हमारी जीत निश्चित तौर पर होगी और हम जीतेंगे। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं राजद के नेता तेजस्वी यादव की सभा के बाद, जोश आई है उनका और साफ साफ कह रहे हैं भारी बहुमत से जीतेंगे। दो विधानसभा की भीड़ यहां पर थी, तो क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता? चुनाव एकदम जीतेंगे, बढ़िया से जीतेंगे, सबका साथ है। क्या लग रहा है? रिकॉर्ड वोट से जीत है, राष्ट्रीय जनता दल अकेले ये चुनाव जीत गया था 2020 में, और अब जनता दल का साथ है, कई पार्टियां साथ है, तो मैं समझता हूं 50,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव में जीत होना चाहिए। तेजस्वी यादव की सभा से कितना असर पड़ा है? तेजस्वी यादव नेता है, जिस सभा में तेजस्वी यादव का कदम पड़ जाता है वो सभा में चार चांद लग जाता है। अभी राज्य और देश में इतना आकर्षण व्यक्तित्व तो किसी नेता का नहीं है, तो तेजस्वी जी आ गए एक बार सारा वोट गोलबंद हो गया, और मनोज कुशवाहा को 50,000 से जीत होगी 100% जीत है, सारा समीकरण ध्वस्त है। बीजेपी यहाँ 30-35,000 वोट में सिमट जाएगी और सारा वोट महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को मिलेगा, और श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ को मजबूत होना है। कि क्या स्थिति है, अब कोई लड़ाई बुझा रहा है क्या? कहीं कोई लड़ाई नहीं है। भूमिहार समाज के नेता हैं सुरेश शर्मा, हाँ, वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। 80% भूमिहार वोट देगा हम लोगों को, आज फिर कह रहे हैं, और बोचहा जो हुआ था बोचहा दोहराने जा रहा है कुरहनी। समर्थन में भूमिहार समाज उतरा हुआ है अजीत कुमार। ठीक है, सबका लोकतंत्र है, सबको अपना मांगने का अधिकार है, मगर मेरा मानना है कि 80% भूमिहारों का वोट मनोज कुशवाहा जो विधायक हैं, ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड का काम हो रहा है, और महागठबंधन को मिलेगा और हमारे प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे। कहां कोई परेशानी है भाई, कहां कोई परेशानी है? वो कोई मतलब है क्या, उसका कोई मतलब है? अडानी अंबानी खरीद लिया बड़े पत्रकारों को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? बड़े बड़े मीडिया हाउस को तो खरीद चुके हैं अडानी और अंबानी। मोदी कहेगा सो चलेगा, वो अभी जो मोदी कहेंगे वो चलने वाला है। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको 110% जीतता है। आपको सभा की भीड़ नहीं दिख रही है? तीन सभा एक विधानसभा में है, भीड़ देखिए। जीतेंगे है कि दो विधानसभा की भीड़ हो? जीतेंगे, जीत गए, जीत गए। हाँ, बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी कह रही है हम लोग जीतेंगे। इस देश में बड़का झूठा पार्टी क्या बोलेगा? गोपालगंज थोड़े जीते हैं, वो नहीं जीते हैं, भाजपा तो हार गई है वहाँ। अगर भाजपा जीतती तो 68,000 वोट कैसे लाते? वो तो सहानुभूति वोट वो जीती है वहाँ, भाजपा का वोट नहीं था। तेजस्वी की सभा से कितना असर हुआ है? पूरा गोलबंद एक तरफा देख नहीं रहे हैं? कुरहनी की जनता ये जो यहाँ का वोट दे करके 5 तारीख को ही यहाँ चुनाव है, अब 5 को ही लालू जी का ऑपरेशन है, तो कुरहनी की जनता आशीर्वाद स्वरूप यहाँ का वोट देगी उनके लिए, उन्होंने मैसेज भेजा है कि जब वो आँख खोलें ठीक हो करके, जब होश में आए तो वो पूछेंगे कि कुरहनी में क्या हुआ, तो खबर मिलेगी कि जीत गए, ये आशीर्वाद मिलेगा। देख सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव की सभा के बाद आरजेडी नेताओं में काफ़ी उत्साह है, आरजेडी नेता उत्साहित हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से आरजेडी के जितने भी नेताओं हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया हमारी जीत तय है, और तेजस्वी यादव की सभा में इतनी भीड़ है, वो भीड़ से ही समझ जाइए कि हमारी जीत कैसे है और जीत तय है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।